स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय नेम इज मदिया खान और मेरे साथ है मिस्टर रॉथर और आज हम बात करने वाले हैं टॉप फार्मेसी कॉलेजेस इन एमपी। मगर उससे पहले हम कर लेते हैं कुछ फार्मेसी रिलेटेड बात। तो अगर रॉथर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि फार्मेसी एग्जैक्टली होता क्या है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज फार्मेसी? सो फार्मेसी को सबसे पहले हम समझते हैं यार, यहाँ पर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं और यहाँ पर मास्टर भी कर सकते हैं और इसके बाद पीएचडी भी होती है फार्मेसी में। एक मेडिकल लाइन है, जिस तरीके से अगर आप मेडिकल में अगर कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो एमबीबीएस करते हैं, फिर बीडीएस करते हैं ये, या फिर हम बीएएमएस बीएचएमएस करते हैं, राइट? और अगर नहीं होता बीएमएलटी डीएमएलटी, ये सारी वेटरनरी हुई, ये सभी मेडिकल लाइन है। अब इसमें कुछ और आ जाती है, यू नो, आपकी बीएससी नर्सिंग हो गई और दूसरी चीजें, इसी तरीके से होती है फार्मेसी। फार्मेसी में आपको बताया जाता है कि दवाएं बनती कैसे, उसका यूज कैसे होता है, किस चीज के लिए किस दवा का यूज होता है। सो ये तमाम चीजें एक पढ़ाया और सिखाया जाता है। इन इंडिया में तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि फार्मेसी की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए, जितना उससे बाहर एक्सपेक्टेशन किया जाता है। इंडिया में अगर आपको मेडिकल लाइसेंस खोल रहा हूँ तो फार्मेसी आपको कहीं ना कहीं किया होना चाहिए, अदरवाइज आप फार्मेसी का मतलब मेडिकल नहीं खोल सकते हो। तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर आपसे क्या करते हैं कि रेंट पे ले लेते हैं फार्मासिस्ट से, लेकिन बाहर क्या होता है कि अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आप दवा जो भी है, कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो वहां का डॉक्टर सिर्फ आपको बीमारी बताएगा और आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए फार्मासिस्ट से कंसल्ट करने पड़ेगा। तो वहां पर डिमांड आप ये समझिए जो डॉक्टरों की है, यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टरों की है, वो वहां पर फार्मासिस्ट की होती है। सो फार्मासिस्ट बेसिकली उसको दवा बनाने का क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस चीज के लिए कौन सी दवा यूज होती है, और इन तमाम चीजों के बाद उसको बताया जाता है कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में दवाएं कैसी बनती हैं, राइट? उसको किस किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी की भी अगर हम बात करें तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो दवाएं बनाती है वहां पर आप इजीली प्लेस हो सकते हो। अब डॉक्टरों को वो पिच करना होती है, वो दवाएं जब बनके तैयार हो जाती है तो एमआर और दूसरी चीजें मार्केटिंग में आप जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, क्योंकि फार्मेसी वाले ही रिसर्च वगैरह दूसरी चीजें करते हैं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मतलब एक तरह से आप डॉक्टर बन सकते हो अगर आप फार्मेसी कर लेते हो, तो आप 6 महीने किसी डॉक्टर के साथ अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप डॉक्टर का एक लाइसेंस मिल जाएगा, आप डॉक्टर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फार्मेसी की डेफिनेशन, फार्मेसी के इनसाइट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए फॉर अ स्टूडेंट, अगर उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू गेट इन फार्मेसी, राइट? सो अगर जैसे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो में मिनिमम 50% आपका होगा, जनरल कैटेगरी के आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप ओबीसी के हो, एससीएसटी के हो, ओबीसी वाले 40, एससीएसटी वाले यहां पर ओबीसी वाले 45 एंड एससीएसटी वाले 40% में भी आप एलिजिबल हो और ले सकते हो। इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है ऐसा, राइट? अब कुछ जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, वो खुद के एग्जाम्स कराते हैं, वो बात अलग है। लेकिन 90% 80% जो कॉलेजेस हैं वो एग्जाम्स नहीं लेते, वो 12th के बेसिस पे आपको लेते हैं, राइट? तो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं पहले, तो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे इफ दे वांट टू गो फॉर फार्मेसी, राइट? सो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा ताकि आप कॉलेजेस को सही तरीके से चूज कर सके। फार्मेसी में जैसे हमने बताया कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा 2 साल का होता है, ये डायरेक्टली आप 12th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा अक्सर वही करते हैं कि जिनको लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरी चीजें चाहिए होती है, कम टाइम में उन्हें मिल भी जाता है। डिप्लोमा के बाद भी आप लाइसेंस के एक हकदार होते हैं, फार्मासिस्ट कहलाते हैं। दूसरा होता है डिग्री कोर्स, राइट? ये बी फार्मा जिसको हम कहते हैं। अब ये जो डिग्री कोर्स है, ये बी फार्मेसी हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये फार्मास्यूटिक्स में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो जा सकता है, फार्माकोग्नोसी में भी आप कर सकते हैं, आयुर्वेद में अगर आप चाहें तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं बी फार्मा कर सकते हैं, और एक सिंपल बी फार्मा होता है। सो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग स्पेशलाइजेशन इसमें निकालते हैं। अगर आपको आयुष में जाना है तो आपने आयुर्वेद से बी फार्मा किया है तो आपका इजीली प्लेस होगा। अब ये कॉलेज इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ पर चाहिए। जो कॉमन है बी फार्मा, जो प्लेन बी फार्मेसी है, वो सबसे ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर 70-80% कॉलेजेस प्लेन फार्मेसी ही कराते हैं। मतलब ये एक तरह से डिग्री कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसके बाद आप दवा बनाने की कंपनी में, रिसर्च में, आरएनडी में, बहुत सारी जगहों पे इजीली प्लेस हो जाते हैं। और फिर कुछ नहीं बचा
तो मार्केटिंग तो है ही। तो कॉलेजेस अब डिपेंड करेंगे टोटल इन्हीं के अकॉर्डिंग। अगर हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर वो आयुर्वेद में करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गिने चुने कॉलेज होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सब नहीं घुसते। लेकिन अगर आप प्लेन से करना चाह रहे हो तो यहाँ हर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज होते हैं, राइट। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी है, जैसे LNCT हो गए, ओरिएंटल हो गया, TIT, SIRT, SysTech। सो अब इसी तरीके से अगर हम बाहर की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। जितनी यूनिवर्सिटी ये अपने खुद के फार्मेसी कोर्स निकालते हैं। और ये एक चीज बस आपको ध्यान में रखना है कि PCI अप्रूव्ड होना चाहिए, PCI अप्रूव्ड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, जहां से भी आप फार्मेसी कर रहे हो। बाकी आप अच्छा बुरा कॉलेज इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप बस ये देखिए कि वो PCI अप्रूव्ड है और वहां एक्सपोजर मिले प्रैक्टिकल नॉलेज का, क्योंकि टोटल डिपेंड है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, 2, 4, 8, 10 रूम में खोल के बैठे। लेकिन अगर वो ऐसा करके बैठे हैं तो इसका मतलब उनके पास PCI अप्रूव्ड भी नहीं है। जिस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है, MBBS करना है, तो यहाँ पर MCI अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से ये PCI अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर PCI के बगैर भी कई कॉलेज चलते हैं, PCI ये कहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आप जब तक हमारा पैरामीटर ये तय नहीं करोगे, लैब ऐसी होनी चाहिए, टीचर इतने होना चाहिए, 18 स्टूडेंट पे XYZ इतने टीचर होना चाहिए, वो पैरामीटर नहीं करोगे हम आपको परमिशन नहीं देंगे। सो बहुत सारे कॉलेज वो कर नहीं पाते। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी कॉलेज से जा रहे हो वो PCI अप्रूव्ड हो, अदरवाइज आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। और फिर अब अगर आप रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि कम आपको जाना पड़े, तो ये कॉलेज पूरे के पूरे इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि खुद का कोई एक टेस्ट नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा। और कई कॉलेजेस में फीस भी बहुत कम हो जाती है, तो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं, आप बोलोगे स्टेट वाइज आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि मुझे बजट क्या है मेरा, मुझे फीस कम करवानी है या फिर मैं ठीक है एक्स्ट्रा फीस देके भी पढ़ सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई, रोहतन ने जैसे हमें बताया कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वाइल डूइंग योर फार्मेसी, या अगर आप चूज करना चाहते हो फार्मेसी तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ कॉलेजेस के नाम अगर हम बताना चाहें स्टूडेंट को, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? जैसे मैंने बताया था कि अगर आप मध्य प्रदेश से प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू डू फार्मेसी फ्रॉम मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में कितने हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे, इंदौर भोपाल में सबसे ज्यादा फार्मेसी के कॉलेजेस है। लास्ट 3 साल से फार्मेसी का ग्राफ ऐसे बढ़ा है, द रीजन, क्योंकि 2 साल पहले से गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट निकलना, और निकलने के बाद उन्होंने उनको इजीली प्लेसमेंट दिया, तो लोगों का इंजीनियरिंग से रुझान हटके फार्मेसी की तरफ गया। उसका एक और रीजन है, क्योंकि एक मैथ वाला भी इसको कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, तो जब मैथ वालों को पता चला कि हम भी कर सकते हैं इसमें, तो ये इसको राइट। अब हायरिंग कर चुकी है गवर्नमेंट, अब करेगी नहीं करेगी किसी को नहीं पता, लेकिन उस वजह से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग को छोड़ के फार्मेसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इजीली कॉलेजेस को एडमिशन भी मिल रहे हैं, भर भी रहे हैं। बट अगर आपका बजट कम है, आप रेगुलर भी नहीं करना चाहते, तो बस ये देखना है PCI अप्रूव्ड है या नहीं है, और आपकी फीस भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में कम हो सकती है। अगर MP की बात करें, यहाँ पर VNS कॉलेज है, वो बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है फार्मेसी में। और उसके बाद आपका आ जाता है कि बाकी जितने भी कॉलेजेस है, LNCT, ओरिएंटल, TIT, SIRT, फिर आ जाता है आपका SysTech, ट्रूबा, तो इन तमाम कॉलेजेस को ले सकते हैं आप, राइट। ये जो कॉलेजेस है ये सभी फार्मेसी कराते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, राधा रमन पटेल आपका, मल्होत्रा कॉलेज, मित्तल कॉलेज, सो कॉलेज, हाँ बहुत सारे कॉलेजेस है, सिर्फ मैं एक सिटी की बता रहा हूँ। सो अगेन अगर आपको जानना है, कुछ पूछना है कि मेरा किस फीस में हो सकता है, मुझे अभी तक आप प्लान कर रहे हो कि फार्मेसी में एडमिशन लेना है, नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जाके, नीचे जाके नंबर दिया गया है, उस पर जाके कॉल कर सकते हैं। अगेन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना है, तो आप DTE के ऑफिशियल साइट पर जाकर इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर रोहतन, अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में, अगर हम फार्मेसी के लिए कंपेयर करें, तो कौन से कॉलेजेस बेटर होंगे, गवर्नमेंट बेटर होंगे या फिर? देखिए मैं यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले बेटर वही कॉलेज होगा जो PCI अप्रूव होगा। सबसे पहले आपको ये देखना, अगर PCI अप्रूव वो कॉलेज नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज कई बार ये थोड़ा सा झूठ भी बोल देते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज यहाँ पर PCI है या नहीं है। हो सकता है वो कॉलेज PCI अप्रूव हो 19-20 के बैच के लिए,
लेकिन आप पास आउट हो रहे हो 24 के बेस के लिए, राइट? ये आप किस बेच के लिए हो रहे हो उस टाइम पे पीसीआई है या नहीं है, ये हर साल रिन्यू होता है और दो साल के लिए, तीन साल के लिए इसको परमिशन मिलती है। अच्छा, तो अगर उस टाइम पे नहीं मिली जिस टाइम पे आप हो, तो बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें भी डाउटफुल है, राइट? सो रिन्यू होगा या नहीं होगा, तो अगर नहीं हुआ तो तब तक आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा अपने आप में ये देखना है। और गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ एक यही सियोरिटी होती है कि वो यू नो पीसीआई अप्रूव्ड हो गई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट की बॉडीज है, वो तो अप्रूव कर ही देगी। सो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बाकी अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ अच्छे प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना वेरी करता है जैसा कि इंजीनियरिंग में है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हो तो वाह, बस ये जरूर है कि एक टॉपर जाता है वहां पर तो आपको एक्सपोजर मिल सकता है, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर भोपाल में भी बीयू है, बरकतुल्लाह है गवर्नमेंट, लेकिन उससे अच्छा मैं बीएनएस को प्रेफर करता हूँ एक सिटी में। इसी तरह से हर सिटी में, हर स्टेट में वो होते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी फीस भी बहुत कम हो जाती है, जहाँ आपको मान लीजिए 80,000 फीस लग रही, हो सकता है आपको 40,000 में, 50,000 में मिल जाए। बहुत सारे रीजन क्या होता है, कैसे कम हो जाता है? प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी सीटें भरना है, वो तो चाहेंगे कि अगर हमारी 100 सीटें हैं या यूनिवर्सिटी है कोई, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम 100 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि 50 और बच्चे आ जाए, है ना, और बच्चे आ जाए तो उनकी एक्स वाई जेड इतनी हम फीस कर देंगे। तो वो फीस उस बेसिस पे कर देते हैं कि मुझे 1,00,000 नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है 50,000 तो मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गई कॉलेजेस से रिलेटेड सारी बात। रॉथर, अगर आप कुछ और स्टूडेंट्स को टिप देना चाहें, बस मैं आपको बस यही टिप देना चाहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो फार्मेसी का, सबसे पहले देखो कि डिप्लोमा करना चाहते हो डिग्री, क्योंकि मास्टर भी इसमें होता है। मास्टर होता है तो फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी, कोलोजी, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने फार्मासिस्ट चूज कर लिया या आपने स्यूटिक्स चूज कर ली, तो वहां पर सिर्फ मशीनरी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है। सो अपार संभावनाएं बहुत हैं, और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि फार्मेसी वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरेगा। सो इतनी अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग से 10 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और अब तो सिचुएशन भी ऐसी आ गई है कि सबसे ज्यादा मेडिकल्स ही चले हैं, राइट, कोविड राइट के टाइम। हाँ, अगर आप कोविड भी देखें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जो कभी डाउन नहीं होती, नहीं होती, राइट? आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो यू नेवर डू बार्गिंग विद फार्मासिस्ट। आप फार्मासिस्ट से कभी नहीं बोलते कि 400 की दवाई है 350 में ले लीजिए, या 300 ले लीजिए, बाकी सबसे बार्गिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ सस्ती मिल रही है। लेकिन इन टेबलेट्स के मामले में, दूसरी चीजों के मामले में, तो ये जो है ये सदाबहार एक ब्रांच है, और इसको आप बेशक चूज कर सकते हैं। अगेन, बजट नहीं है तो जाके पूछ सकते हैं कि मुझे किस कॉलेज में, किस बजट में, इस रैंक में क्या मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्मेसी कॉलेजेस और उसकी इनसाइट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताएं, हमारे काउंसलर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे। Until then, please like, share and subscribe. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.